Hey guys, this is Balram and I am certified investment advisor. Welcome back to your YouTube channel. तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आज के ट्रेड सेटअप को और जानेंगे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यूएस मार्केट, तो कल नैस्डैक अराउंड 1% नीचे क्लोज हुआ है, जबकि बोथ क्रूड और गोल्ड को हम यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ देख सकते हैं। तो आज एशियन मार्केट में हमें सिंगापुर बेस्ड एसएक्स निफ्टी अराउंड 14,665 पे और निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है वो अराउंड 14,654 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। तो आज आप निफ्टी को यहाँ पे फ्लैट ओपन होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एडीआर लेवल्स पे हमें बोथ इंफोसिस और विप्रो के केस में आज थोड़ी बहुत सेल ऑफ दिखाई दे सकती है, तो आप इसमें प्राइस एक्शन यहाँ पे सेटल होने के बाद ही इसमें कोई भी ट्रेड लेना आगे प्रेफर करें। यहाँ पे कैश मार्केट में फिर से हम FIIs को ऐसे नेट सेलर के तौर पर देख सकते हैं, इसकी वजह से आज भी आपको मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हम निफ्टी का जो अप्रैल फ्यूचर है उसे अराउंड 14,556 पे देख सकते हैं, जबकि इसका पुट एंड कॉल रेशियो हमें 1.41 के लेवल्स पे यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हम देख पाएंगे, कल इंफोसिस ने अपना Q4 रिजल्ट को अनाउंस किया है, इसमें हमें इसका एक बायबैक प्रोग्राम भी आगे देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 1750 पर शेयर के प्राइस में आगे यहां पे लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहां पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें ईयर ऑन ईयर अराउंड 13.1% यहां पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि इसका प्रॉफिट हमें मार्च क्वार्टर में यहां पे ईयर ऑन ईयर अराउंड 17.1% यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है। HDFC बैंक आगे यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे मार्केट से अराउंड 50,000 करोड़ का एक फंड यहाँ पे रेज करने जा रही है, जिसकी वजह से आज इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। भारती एयरटेल यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आगे अपना काम जारी रखने वाली है, जिससे इसका डिजिटल बिजनेस से होने वाला रेवेन्यू आगे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे टाटा मोटर के केस में आज आपको अपना नजर बना रखना है, क्योंकि इसका जो जैगुआर लैंड रोवर का जो सेल है वो हमें ईयर ऑन ईयर अराउंड 43% के मार्जिन से यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है। यहाँ पे कंपनी ने अपने ग्लोबल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी ईयर ऑन ईयर अराउंड 39% का एक ग्रोथ दर्ज किया है, तो आज आपको इस स्टॉक में थोड़ी बहुत अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मदरसन सुमी के केस में यहाँ पे मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने अपना जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसे नेगेटिव से अपग्रेड करते हुए करंटली स्टेबल मेंटेन किया हुआ है, तो करंट लेवल्स पे इसमें आप एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेना आगे प्रिफर कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी के केस में यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो स्पुटनिक वी वैक्सीन है उसका इंडिया में प्रोडक्शन आपको नेक्स्ट क्वार्टर से देखने को मिल सकता है, तब तक ये रशिया से यहाँ पे स्पुटनिक वी वैक्सीन को यहाँ से इम्पोर्ट करना शुरू कर सकती है। यहाँ पे हैपीस्ट माइंड ने अपना एक नया पार्टनरशिप यहाँ पे अनाउंस किया है, जिसके चलते ये बीटरूट का कंज्यूमर पैकेज गुड के ऊपर यहाँ पे अपना एक सॉल्यूशन आगे प्रोवाइड करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पे वेदांता का वॉलंटरी ओपन ऑफर हमें यहाँ पे क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से आगे वेदांता का जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो आपको अराउंड 65.2% तक बढ़ता हुआ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्टेला टेक्नोलॉजीज ने यूके फुल फाइबर नेटवर्क के लिए अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे अनाउंस किया है, जिसकी वजह से आज इस स्टॉक में भी आपको एक अपसाइड यहाँ पे इंट्राडे के दौरान देखने को मिल सकता है। और फाइनली अगर हम बात करें आदित्य बिरला कैपिटल के केस में, यहाँ पे ये अपनी सब्सिडियरी आदित्य बिरला सनलाइफ AMC का IPO आगे लॉन्च कर सकती है, जिसकी वजह से आज आपको आदित्य बिरला कैपिटल के स्टॉक में एटलीस्ट 4-5% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप इंट्राडे में इस स्टॉक को यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड करना यहाँ पे प्रिफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप अभी से फ्री में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप प्लान के डिटेल्स आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम मॉडल पोर्टफोलियो के साथ आपको स्विंग पोजिशनल और मल्टीवैगर शेयर्स के डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से आप जाके उसे ज्वाइन करें अगर आपको उन सभी अपडेट्स के बारे में जानना है।
तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।